इस रूम का जो है छत प्लास्टर हो चुका है दोस्तों, और इस रूम का छत प्लास्टर अभी बाकी है और सेटरिंग लगा दिया गया है और इसको ढालने का भी काम शुरू कर दिया जाएगा। सो दोस्तों बाहर से हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे और बिंदास होंगे। सो दोस्तों आज मैं आप लोगों को झंझारपुर लोक हरेलखंड के समीप यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बरहाड़ा हॉल्ट पर पहुँच चुके हैं और यहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितना काम हुआ है और कितना काम अभी बाकी है। वीडियो के माध्यम से आप लोग देखते रहिए और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो झंझारपुर लोखा रेलखंड के समीप बरहाड़ा होल्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि पिछले वीडियो में आप सबको बताया था और दिखाया भी था कि कितना काम हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से। सो दोस्तों यहाँ पर बाहर से भी प्लास्टर कर दिया गया है और अंदर भी चल के आप लोगों को दिखाता है कितना प्लास्टर कैसे जो है किया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से। सो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए जो अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है इतना जो है अभी काम हो चुका है। यहाँ पर बाहर से भी प्लास्टर यहाँ पर कर दिया गया है, अभी फिलहाल देख सकते हैं इतना काम हो चुका है और बाहर से भी प्लास्टर कर दिया गया है जैसे कि पिछले वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था। आप लोग देख सकते हैं इस रूम का जो है छत प्लास्टर हो चुका है दोस्तों, और इस रूम का छत प्लास्टर अभी बाकी है और सेटरिंग लगा दिया गया है और इसको ढालने का भी काम शुरू कर दिया जाएगा। सो दोस्तों बाहर से भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है इस तरह का नया नया अपडेट लाता रहता हूँ। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।